एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कश्मीर सीरीज। आज हमें श्रीनगर में, और आज का वीडियो होने वाला है अबाउट आर वन डे ट्रिप टू सोनमर्ग। तो सोनमर्ग मैं एक्चुअली सेकंड टाइम जा रही हूँ, बट आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं सिर्फ घूमने जा रही हूँ। इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग ट्रिप, क्योंकि सोनमर्ग में मैंने अभी सुना कि वेदर काफ़ी अच्छा है, इट्स -1। लेट्स सी, अभी 10 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं। वैसे हमने एक गाड़ी हायर कर ली है, डिज़ायर। ये गाड़ी हमारे साथ 4 दिन होने वाली है, क्योंकि कल हम गुरेज के लिए निकलने वाले हैं फॉर 3 डेज। उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो होगा जो इसके बाद आएगा, बट कैब की जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो दिस इज़ आवर कार राइट हियर। पहले हम सोच रहे थे कि हम बड़ी गाड़ी लें, पर हमारे पास उतना सामान भी नहीं है, प्लस हमें बजट काफ़ी ऊपर जा रहा था अगर हम इनोवा ले रहे थे। सो वी जस्ट थॉट ऑफ टेकिंग दिस वन, एंड लेट मी शो यू एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग टुडे। इट्स गोइंग टू बी अ रियली फन रैंडम व्लॉग, सो कम अलॉन्ग। ओके, दैट वॉज अ ब्यूटिफुल रूट, बट हमारे ड्राइवर बोल रहे थे कि अभी और खूबसूरत होता जाएगा रास्ता। वैसे अगर आपको नहीं मालूम हो, सोनमर्ग एक हिल स्टेशन है जो श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर है, एंड इट्स क्वाइट फेमस फॉर इट्स लैंडस्केप्स। वहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो, देयर्स अ ग्लेशियर देयर, सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दैट। वो सब मैं फर्स्ट टाइम देखने वाली हूँ। अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं एट दिस छोटा सा ढाबा, और ये ढाबे के एकदम बाजू में आप व्यू देखिए, ओ माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सो हम यहाँ पे 5 मिनट व्यू एंजॉय करने वाले हैं, फिर ब्रेकफास्ट खाएंगे एंड देन डायरेक्टली टू सोनमर्ग। लेट्स गो। गया हमारा नाश्ता, पनीर पराठा खा रहे हैं हम। काफी टाइम बाद में ऐसे ढाबे में ठंड में ऐसे पनीर पराठा खाने वाली, वो भी गरम गरम। ये देखिए यहाँ पर है पनीर पराठा और साथ में है छोले। ये देखिए पनीर पराठे में बस पनीर, जीरा मसाले और ग्रीन चिलीज दिख रहे हैं। यम्मी, भर भर के पनीर, भर भर के ग्रीन चिलीज और भर भर के बटर। छोले भी काफी अच्छे हैं, काफी सिंपल है। अभी ये खाते हैं हम, फिर चलते हैं सोनमर्ग। away from Sonmar, and we just stopped here क्योंकि यहाँ पे पानी का इतना आवाज आ रहा था, so we got out of our car to see, and the view is so good। पानी इतना clear, these trees, बहुत cloudy हो गया, थोड़ी सी बारिश भी पड़ रही है, and the snow clad mountains, और काफी ठंड भी है। It's beautiful out here। Whenever you take road trip, make sure आप ऐसे छोटे छोटे halts ले to just admire the nature. Let's go. Guys, हम फाइनली सोनमर्ग में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, बट इट्स ओके। हमने पहले डिसाइड किया था बारिश और कुछ भी, हमें मूड ऑफ नहीं करेंगे, प्लान जारी रखेंगे। यहाँ से आगे जाने के 2 रास्ते हैं। आपको जो भी टूरिस्ट गाड़ी श्रीनगर से आएगी वो यहाँ पे आपको सोनमर्ग में ड्रॉप करेगी। यहाँ से आपको यहाँ तो घोड़ा लेना है, यहाँ तो यहाँ की गाड़ी लेनी है सोनमर्ग की, क्योंकि यहाँ पे इनका यूनियन AKA मोनोपोली होता है। तो हम लोग घोड़ा तो नहीं ले रहे क्योंकि बारिश पड़ रही है, एंड वी डोंट वांट टू टेक अ हॉर्स राइड। उसका सिर्फ एक ड्रॉबैक है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिलहाल हम एक गाड़ी ले रहे हैं और हम 3-4 पॉइंट सोनमर्ग में कवर करेंगे। एंड हाउ मच आर वी पेइंग फॉर दिस? वी आर पेइंग 4,000 रुपीज फॉर दिस कार। थोड़ा हम बाद में भी बार्गेन भी करें, बट वो डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगी। एज ऑफ नाउ लेट्स गो। द व्यूज़ आर स्पेक्टेक्युलर। ऐसे लग रहा है कि हम रेनी सीजन / विंटर में आ गए हैं। द वेदर इज 2 degrees, एंड लेट्स गो। सो गाइस, बारिश बढ़ती जा रही है
एंड हमें तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, एकदम ही ठंड पड़ रही है अभी। वैसे ये जो पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है सोनमर्ग का आज, दिस इज़ कॉल्ड फिशिंग पॉइंट। यहाँ पे पीछे आप देखेंगे छोटा सा पॉन्ड है, यहाँ पे लोग फिशिंग के लिए आते हैं। अभी तो खैर बारिश पड़ रही है, बट यहाँ पे आपको फिशेस दिखती हैं, बट अभी बारिश की वजह से शायद नहीं दिख रही। वील गो डाउन एंड सी दैट लेटर, बट द व्यू फ्रॉम हियर इज स्पेक्टेक्युलर। अभी ना कोई कट नहीं होगा, ठीक है, यू जस्ट सी दिस। यहाँ पे ये था एंड लुक हियर बिहाइंड मी, लुक एट दोज माउंटेन्स, वाओ दिस इज ब्यूटिफुल। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हम 5-10 मिनट रुकेंगे एंड देन वील गो टू आवर सेकेंड पॉइंट। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग व्हेन आई एम सेइंग दैट द व्यूज हियर आर सो गुड कि मुझे लग रहा है कि मैं किसी सेट पे आई हूँ। सो हम लोग एक्चुअली अभी बलताल वैली और बलताल विलेज जा रहे हैं। जो भी अमरनाथ जी के यात्रा के लिए जाते हैं, दे ऑल्सो हैव अ कैंप इन बलताल विलेज, दैट इज ऑल्सो नोन एज द लास्ट विलेज ऑफ कश्मीर। आइडियली इट्स नॉट द लास्ट विलेज, बट इट्स कॉल्ड एज लास्ट विलेज ऑफ कश्मीर, क्योंकि वहाँ से अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होती है। हल्की हल्की बारिश अभी कम हो गई है, बट लेट्स टेक अ मोमेंट एंड विटनेस द गॉर्जियस व्यू। यू आर एक्चुअली गोना फाइंड मी टॉकिंग अ लॉट अबाउट व्यूज इन दिस वीडियो, बिकॉज व्हाई नॉट, द व्यूज आर स्पेक्टेक्युलर। वैसे कश्मीर में मौसम का कुछ भरोसा नहीं होता, अब थोड़ी थोड़ी बारिश बंद हो रही है। वैसे सोनमर्ग एज अ हिल स्टेशन, अलग अलग सीजन्स में अलग अलग व्यूज होते हैं। लाइक विंटर्स में यू विल फाइंड स्नो, काफ़ी टाइम विंटर्स में इतना स्नो पड़ता है कि दे शट इट ऑफ। ये टाइम पे स्नो प्लस रेन ऐसा होता है, एंड देन इफ यू कम फ्रॉम जून तो एकदम ऐसा स्प्रिंग ब्लॉसम ग्रीन लश होता है। मैं एक्चुअली लास्ट टाइम जब सोनमर्ग आई थी तब काफ़ी ग्रीन और लश था, एंड दिस टाइम आई एम वॉचिंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट लैंडस्केप, सो इट्स रियली गुड। ये जो आप स्नो देख रहे हो, दिस स्नो एक्चुअली फेल इन द मंथ ऑफ जैन एंड फेब, बट इट्स फ्रोजन नाउ, और जून में मेल्ट होके पूरा पानी में चली जाएगी। व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज, यहाँ पे एक छोटा सा कॉटेज स्लैश कैंप एरिया है, इट्स कॉल्ड शीन वुड्स, एंड इफ समवन हु लव्स कैंपिंग, आपको ओवरनाइट स्टे करना है, देन यू कैन डू इट ओवर हियर। बट यहाँ पे एक छोटा सा जॉइंट भी है जहाँ पे हम खा सकते हैं, खाने में हमें बहुत टाइम हो गया, सो लेट्स ईट समथिंग एंड देन वील गो टू बलताल विलेज। क्या खाएंगे, क्या खाएंगे? हाय, बहुत मस्त लग रहा है। आई गेस जब हम लास्ट टाइम आए थे ना तो इतनी ठंड नहीं थी, आई मीन पूरा ग्रीनरी था। इस बार अपन ने स्नो साइड ऑफ द कश्मीर भी देख लिया, बहुत मजा आ रहा है देखने में। ये यहाँ पे यूज करते हैं हाथ गर्म करने के लिए, तो उन्होंने मेरे को भी दे दिया, बिकॉज़ माय हैंड्स वर फ्रोजन। Okay, you guys, this is the next point. This one is breathtaking. ये है बलताल वैली, एंड बलताल जो विलेज है, इट्स सपोज टू बी द लास्ट विलेज ऑफ कश्मीर। वहाँ से शुरू होता है कारगिल लेह लद्दाख का पूरा रास्ता, यहाँ तक ना हम एक्चुअली थोड़ा स्लेच करके आए, यहाँ पे इसको आइस शिकारा बोलते हैं, बट हम स्लेच करके ऊपर तक आए, नीचे भी स्लेच करके ही जाएंगे। बड़ा पीछे पहाड़ देखिए, वाह, ये बर्फीले पहाड़ इतना आगे हैं मेरे, इतना आगे, एंड दे लुक मैजेस्टिक। आई कैन लुक एट दिस व्यू फॉर आवर्स। सरप्राइजिंगली नीचे जहाँ से ये स्लेज और ये सब चालू होता है एक्टिविटीज, वहाँ पे बहुत क्राउड था, बट यहाँ पे इतना क्राउड नहीं है। इट्स वेरी पीसफुल, इट्स वेरी साइलेंट, इट्स अमेजिंग। टाइम था नीचे जाने में, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक है नीचे, वो स्लेजिंग का रास्ता काफी नैरो है, सो तब तक हम एक मैगी शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली हमने लंच भी नहीं किया और अभी तक ऑलरेडी 4 बज गए हैं, सो दिस इज नॉट आवर लंच, बट एक मैगी हम ऐसे ही शेयर कर रहे हैं।
going to be the last spot of our Sonmarg day trip today. Mostly the last stop. याद है मैंने आपको पहले कहा था कि घोड़े नहीं लेने का एक drawback है, वो drawback ये है कि there is this one point called Thajivas Glacier. वहाँ पे सिर्फ घोड़े ही जाते हैं, वहाँ पे आप ट्रैक करके भी जा सकते हो, बट राइट नाउ द वेदर इज नॉट सूटेबल फॉर ट्रैकिंग, तो वहाँ पे सिर्फ घोड़े ही जाते हैं. सो आई थिंक वी आर गोइंग टू मिस दैट, क्योंकि हमें घोड़ों पर नहीं बैठना है. सो लेट्स सी, वापस नीचे जाके देखेंगे कैसा वेदर है. बट अभी दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट स्पॉट, दिस इज सरबल विलेज. आई एम गोइंग टू पुट द नेम हियर. ये भी बलताली है. ये विलेज की खास बात क्या है, ये छोटा सा गांव, ये लास्ट विलेज है कश्मीर का. तो यहाँ से शुरू होता है लेह लद्दाख कारगिल का पूरा रास्ता. सो दिस इज नोन एज द लास्ट विलेज ऑफ कश्मीर एंड वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर. इट्स वेरी टाइनी बट again the views from here are spectacular, the weather is very nice, it's a little cloudy but we are having a lot of fun. So abhi se aap jo bhi dekhenge wo ye village rahegi and fir main aapko seedha niche milti hu. Am I the real deal or just another one? So this village is called Sarbal. Yahan pe maine padha Sarbal aur Sarbal. Chalo, व्यूज तो ऑलमोस्ट सेम ही है जो हमने बलताल वैली के इधर देखे, वही सेम पहाड़ हैं. बट या आई थिंक दिस इज इट फॉर आवर सोनमर्ग ट्रिप. आई एम सो हंग्री गाइज, इट्स 4:30 और हमने ब्रेकफास्ट सुबह किया था. आई एम वेरी वेरी हंग्री राइट नाउ, हमने लंच किया ही नहीं है. ओके, कीप फॉलोइंग मी और ये पहाड़ देखिए. वैसे नज़ारे तो पूरे ही दिन काफ़ी खूबसूरत थे, बहुत मज़ा आया. फिर हम चले गए श्रीनगर वापस एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग इट. इफ़ यू डिड प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. नेक्स्ट वीडियो कश्मीर के ऊपर आने वाला है, इट्स गोइंग टू बी अबाउट गुरेज. एंड हाँ, शाम को हमने ये राइस और ऑमलेट थोड़ा खा लिया. बहुत लेट हो गया हमें. ओके, बाय.